नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए टेक न्यूज से स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MI Note 10 मार्केट में आने वाला है, तो अब बोला जा रहा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा MI ने लॉन्च कर दिया है मार्केट में, जिसको पेंटा कैमरा बोला जा रहा है। 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटिंग कैमरा है, जिससे कि आप 10x ऑप्टिकल हाइब्रिड जूम कर सकते हैं, और जो कि दूसरा सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिससे कि आप बुफे इफेक्ट के साथ एक अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं। और जो तीसरा कैमरा 108 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा है, जिससे कि आप जूमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा ले सकते हैं। और जो चौथा कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो कि बहुत ही बेटर है। और जो कैमरा है, फिफ्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है, जिससे कि आप छोटे मोटे मजे ले सकते हैं। तो ये MI ने बहुत ही अच्छा किया है। तो दूसरी टेक न्यूज है कि नोकिया ने अब अपना 5 नंबर को फ़ोन लॉन्च करने की तैयारी में है। ऑफिशियल वो कर चुका है कि आपको अब 2019 को नोकिया ने बहुत ही 8.1 लॉन्च किया था, अब कहा जा रहा है कि नोकिया 5.2 लॉन्च करेगा, चाहे 8.2 लॉन्च करेगा, अपग्रेडेड करेगा। तो नोकिया ने आज ही अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है कि आज 5 आपको कमिंग सून में मिलेगा नोकिया का एक बेहतर फ़ोन। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड टेक न्यूज की। तो इसमें आपको मिल रहा है कि 5G फ़ोन आ रहा है ऑनर की तरफ से, जिसका कि प्रोसेसर ही बहुत तगड़ा होगा, जो कि बेस्ड होगा 5G नेटवर्क पे, क्रीन 990 के बेस्ड होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तो ये चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च कब होगा देखते हैं, जिसका नाम V30 रहेगा और V30 प्रो रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि टेक न्यूज में आज के लिए बस इतना ही है। लेकिन 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 ऑनर के बाद अभी भी एक टेक न्यूज बाकी है, जो कि आपको देखना है। तो नोकिया HMD ग्लोबल जो कहा जाता है, वो बहुत ही बेटर काम कर रहा है। अब आ रहा है स्मार्ट TV में, फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप लिया है, और फ्लिपकार्ट और नोकिया ने मिलके HMD ग्लोबल मिलके वो दोनों कंपनियाँ एक TV ला रही हैं, जो कि सेल्स फ्लिपकार्ट देखेगा और मैन्युफैक्चरिंग HMD ग्लोबल देखेगी। तो 4K TV आ रही है, जो कि 55 इंचेस का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा, MI के टक्कर में शायद निकाल ले। और बोलता है कि JBL का स्पीकर मैं आपको दे दूंगा। तो नोकिया ये बेहतर शुरुआत कर रहा है TV में। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके नोकिया एक अच्छा रिस्पांस ले सकता है, तो ये बेटर है नोकिया के लिए और HMD ग्लोबल के लिए। तो आप बताइए फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये पहला टेक न्यूज है, तो अगर ऐसी टेक न्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली टेक न्यूज आपको मिलती रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है, डेली आपको डेली टेक न्यूज मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।